Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well and study very very hard. जैसे कि you know, हमारी coupling reactions are going on. Last class में we have completed Sona Geshira and Suzuki coupling and in today class we are going to deal with Heck coupling. Why we are taking in the separate way? Because कुछ ना कुछ थोड़ा सा difference है, थोड़ा सा ही है. वैसे these are very similar to each other. So आज की class में we will complete this coupling reaction. In the next class, in the future, we are going to have a catalyst. जैसे ग्रम्स कैटलिस्ट होता है, डैबिक एसिड कैटलिस्ट होता है, इनके क्या काम होते हैं उसको एक ही क्लास में हम लोग खत्म करेंगे. उसके बाद वी विल स्टार्ट विद साइकिल्स. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कपलिंग के साथ. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं बट हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेंगे. ठीक है, पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, इसके बाद वी विल डील विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हेक कपलिंग ऑल्सो. ठीक है, सबसे पहले व्हाट आर द बेसिक क्या है. देखो रिक्वायरमेंट तो सब कुछ सेम ही है. ठीक है, हम लोग जैसे कि आर डैश एक्स लेते थे, where x is a living group. ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है हमारा living group होता है, ये तो होना ही होना है. ठीक है, पर औरों में हम लोग क्या करते थे, और सब में हमारा को कैटलिस्ट भी होते थे. जैसे कॉपर हो गया, सो सोने की शीरा हो गया, सुजुकी हो गया, तो बोरोन हो गया. ठीक है, अगर टिन हो गया तो स्टील कपलिंग हो गया, ऐसा था. बट यहाँ कोई भी कैटलिस्ट नहीं होता, यहाँ हमारा प्लैटिनम इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है. बस डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ जो हमें एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है, यहाँ पे वी हैव अ रिएक्शन विद एल्कीन. और जो यहाँ का जो आर ग्रुप है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट. मतलब ये आर कौन सा ग्रुप है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होने वाला है. इफ आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो क्या होगा, और अगर R हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा. तो दीज आर द ओनली मेन यू नो कंडीशंस फॉर अ हेक कपलिंग. हमें कैसे पता चल जाएगा, हमें देखते ही पता चलेगा. जैसे अभी सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसमें भी यही सब डाला हुआ है. मान लो ये जैसे प्लैटिनम है, हम ओ ए सी वाला ही डाल देते हैं इसके अंदर. ठीक है, हमारे को यहाँ के रिएजेंट से कोई मतलब नहीं है. मेन हमारी डीलिंग है यहाँ पे जो एल्कीन है उस पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा. सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, जो भी लिविंग ग्रुप होता है जिस भी अल्काइल ग्रुप के साथ, प्लस जो प्लैटिनम होता है उनके बीच में होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन. तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन ही करेंगे. यहाँ मेरा प्लैटिनम है, ये मेरा ओ ए सी आ गया, ठीक है, टू. और यहाँ पे हमारा, अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि ब्रोमीन टूटेगा कि आयोडीन टूटेगा. वी नो क्लोरीन के साथ ब्रोमीन इज अ मोर स्टेबल बॉन्ड एज कम्पेयर टू आयोडीन. तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो इसलिए आयोडीन विल बी अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. वैसे भी मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर हम हेलोजन फैमिली देखें तो देन आयोडीन आता है, देन ब्रोमीन आता है, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन. तो यहाँ से यही टूटने वाला है. तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में हम क्या करते हैं, लिविंग ग्रुप यहाँ पे लिखते हैं और अल्काइल ग्रुप फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं. मान लो ये मेरा हो गया अल्काइल ग्रुप, जिसके पैरा पोजिशन पे वी हैव अ ब्रोमीन. ये तो मेरी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे माइग्रेटरी इंसर्शन होता है ऑफ दिस एल्कीन. मतलब आपकी जो एल्कीन है, पहले तो एक जनरल सा लेंगे, ठीक है, ये एल्कीन है, इस ग्रुप का माइग्रेटरी इंसर्शन होता है. अब कैसे होते हैं, मान लेते हैं कि आर जो है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ठीक है, एक कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है सी ओ ई टी. तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. भाई खींचने वाला ग्रुप है, अपनी तरफ खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा. तो यहाँ पे भी है माइनस और यहाँ पे भी है प्लस. ठीक है, अब प्लैटिनम इज ए मेटल, प्लैटिनम इज ए मेटल, इट हैज ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. बस यही बात ध्यान रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट करेगा, तो प्लैटिनम यहाँ आके अटैक करेगा. तो प्लैटिनम ओ ए सी और आयोडीन, ठीक है, प्लैटिनम इतना सा ग्रुप, ये दिस होल ग्रुप जो है वो तो यहाँ लग जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है, दिस वाला पार्ट, वो चला जाएगा पॉजिटिव साइड. तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का भी देख लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हमको मिलने वाला है, और हमारे को पता है ज्योमेट्री जैसी हमें वैसे ही रखनी है. ठीक है, यहाँ पे हम प्लैटिनम का बॉन्ड बना देंगे, प्लैटिनम के साथ ओ ए सी है टू और एक आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है.
ठीक है, ये वाला ग्रुप हम यहाँ पे लगा देंगे, हमारा ये हो गया। ओके ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब ऑब्वियसली बात है अगर यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड है, अच्छा अब ये डबल बॉन्ड तो ऑब्वियस बात है ना टूट गया, आपने जब इसको दिया तो इट विल बिकम अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक एच होगा, भाई चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो एक एच हमारा यहाँ होगा, एक एच हमारा यहाँ होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया, ये वाला स्टेप हुआ हमारा माइग्रेटरी इंसर्शन का, मतलब माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ, ये माइग्रेट करके यहाँ आ गया, ये माइग्रेट करके यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप होता है बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा बॉन्ड का निकलना, बीटा एलिमिनेशन, जो भी मेटल है ये इसकी अल्फा पोजीशन हो गई, ये हो गई बीटा, और बीटा में हाइड्रोजन ही एलिमिनेट होता है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। ठीक है, अब जो और एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द हाइड्रोजन विच इज सिन, हाइड्रोजन विच इज सिन टू द मेटल, हाइड्रोजन विच इज सिन टू द मेटल विल रिमूव, जो सिन होगा वही रिमूव होगा, क्योंकि अभी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, अब इसी क्वेश्चन में वी विल डील विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री आल्सो। तो यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अबव है, ये हाइड्रोजन अबव है और ये बिलो है, तो अबव वाला हाइड्रोजन ही रिमूव होगा, ऐसा नहीं है कि आप बिलो वाला कर दोगे। ठीक है, ये यहाँ आएगा, ये ऐसे अपना निकल जाएगा, मतलब जो ये हाइड्रोजन है वो अपना जो हाइड्रोजन है वो इधर चला जाता है ना, तो हम उसको इस तरीके से दिखा देते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पे गया और प्लैटिनम अपना निकल गया। तो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया आर, यहाँ आ गया एच, यहाँ पे वी हैव एच, और ये वाला जो ग्रुप है ये वैसे के वैसा इस पर लगा रहेगा। ठीक है, अगर मैं ये हटा दूँ इलेक्ट्रोड्रॉइंग ग्रुप, ये हो गया आर। ठीक है, एच एच अपोजिट है तो ट्रांस ही हमको यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आई, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन करनी है, जो भी लिविंग ग्रुप है आपने ऑक्सीडेटिव एडिशन कर दी, इसके बाद माइग्रेटरी इंसर्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि प्लेटिनम कहाँ आके लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो अपने तक खींचेगा, माइनस यहाँ आएगा प्लस यहाँ आएगा, तो मेटल को नेगेटिव देना है, तो मेटल यहाँ पे आ जाएगा लिविंग ग्रुप के साथ और ये वाला ग्रुप आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमने ये कर लिया। इसके बाद होगी बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, हाइड्रोजन यहाँ पे आया जो कि सिन होगा, दैट विल ओनली इज गोइंग टू रिमूव, तो ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ से निकल गया, तो आपका ये हो जाएगा टोटली आंसर। सो गाइज, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, दिस इज अ अल्काइल ग्रुप विद द लिविंग ग्रुप, ये मेरी एल्कीन है, यहाँ पे प्लेटिनम है, वो तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे तो प्लेटिनम है, यहाँ ओ ए सी लगा हुआ है। ठीक है, टू, और यहाँ पे वी हैव अ ब्रोमीन एंड वी हैव अ बेंजीन रिंग ओवर हियर, ये मेरी हो गई ऑक्सीडेटिव एडिशन। सेकेंड स्टेप पे माइग्रेटरी इंसर्शन अकॉर्डिंग टू द एल्कीन ग्रुप, अब यहाँ पे देखो ये है फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप को थोड़ा सा हम अगर ओपन करके लिखे, ठीक है, तो ये अगर हमारे यहाँ है, हम इसको ऐसा बना, ठीक है, ये मेरा फिनाइल ग्रुप बना लिया, और देखो ये सिस है, तो हमें सिस ही ड्रॉ करना है, ये चीज़ को हम अच्छे से ध्यान करेंगे। अब सेकेंड है माइग्रेटरी इंसर्शन, प्लेटिनम इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पे अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे मूवमेंट होगी, ऑब्वियसली फिनाइल का भी माइनस एम इफेक्ट होता है, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये मान लो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है इट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव एंड इट इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पे प्लेटिनम जाके अटैक करेगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये प्लेटिनम हमारा यहाँ चला जाएगा, तो इसको अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी है, क्योंकि जो भी एडिशन होते हैं, जो इस ग्रुप की एडिशन होती है, वो सिन एडिशन होती है। क्या एडिशन होती है? सिन एडिशन होती है, सिन एडिशन होती है, तो सिन एडिशन करेंगे। कैसा करेंगे? देखो ये सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे अब हम फिनाइल लिख देते हैं, हमारा काम हो चुका है, हमें तो बस ये दिखाना था कि कहाँ पे जा रहा है ये। ये हो गया मेरा सी एच थ्री ग्रुप, यहाँ पे वी हैव अ एच। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे मान लो मैंने इस तरीके से एडिशन किया कि यहाँ पे वी हैव अ प्लेटिनम। ठीक है, ये मेरा है हो गया एच, तो यहाँ पे प्लेटिनम और यहाँ पे ओ ए सी,
टू और उसके साथ हमारा ये लगा हुआ है हिंदी व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ इज कि ये दोनों तो चलो से नहीं, ठीक है, ये दोनों तो इन द सेम प्लेन है। ये मान लो ये अबव है, ये हाइड्रोजन अबव है, ये बिलो है। ठीक है, इसी तरीके से ये अबव है और ये बिलो है, क्योंकि सी एच थ्री पी एच दोनों साथ साथ थे तो उससे सी पोजीशन थी। ठीक है, मान लेते हैं। अब मैंने क्या कहा था, जब भी हम इलिमिनेट करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो प्लेटिनम है शुड बी इन द सेम प्लेन। एंड ऑल्सो हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब भी आपको इसको रिमूव करना है तो ये अबव बिलो नहीं होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। दिस हाइड्रोजन शुड बी इन प्लेन, तो हमें इसको प्लेन में लेकर आना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये तो प्लेटिनम हो गया, ये तो चलो प्लेन में है मान लेते हैं, और ये एच है और ये हमारा फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, अब ये मेरी बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब अगर थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको याद होगा तो इसे हम बोलते हैं फ्रंट बॉन्ड, इसे बोलते हैं बैक बॉन्ड। तो हम इसे ड्रॉ भी ऐसे करते हैं, ये मेरा फ्रंट और ये मेरा हो गया बैक बॉन्ड। ठीक है, अब इसको मुझे प्लेन में लेकर आना है, वी हैव टू रोटेट। हम ऐसे कर देंगे, ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, तो कैसे होगा, ये यहाँ पे आया, नाउ दिस इज प्लैटिनम, ओ ए सी, ये सब आप लगा लेना, ओ ए सी टू, और यहाँ पे कोई भी मान लो लिविंग ग्रुप है अपना, ठीक है, ओ ए सी टू, और ये मेरा ब्रोमीन, इसको तो आपको कुछ नहीं छेड़ना है, ये एच, ये मेरा हो गया फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हम जब रोटेट करेंगे, एच विल कम इन प्लेन और फिनाइल पीछे चला गया, फिनाइल अपना यहाँ आ गया, ये रोटेट करके यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये आ गया सी एच थ्री। मैं तो हमारे बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ, पहले इनको प्लेन में बनाओ, आपने जैसे जब रोटेट किया ना उसको प्लेन ही मानो, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ। अब देखो सी एच थ्री आपके सामने, इस साइड वाला हमेशा फ्रंट और ये वाला बैक, आपने इसको बैक शो कर दिया। ठीक है, नाउ दिस हाइड्रोजन कैन ईजली बी लिमिट, इसको और दिखाने का तरीका क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे गया, इसने अपना बॉन्ड ऐसे दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, और जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री है हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वही रखनी है, तो इट इज अ डबल बॉन्ड नाउ, और यहाँ पे वी हैव अ फिनाइल ग्रुप बिलो एंड हाइड्रोजन अबव, and now here also the phenyl is below and we have a CH3 above. तो यहाँ पे ये हमारा को कुछ बना, अब इसको थोड़ा सा सही से लिख दें अगर, तो हम कैसा आपको ऑप्शन मिलने वाला है, here the phenyl, here's the phenyl and here's the CH3 group and this is the H group. अच्छा, ये बात हो गई, फिनाइल हो गया सीज़, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ये दोनों की जो एडिशन है सिन है, मान लो अगर ये बिलो से अटैक कर रहे हैं तो दोनों बिलो से अटैक करेंगे, मींस जो भी हमें ये वाले बॉन्ड दिखाने हैं वो हमें सेम बॉन्ड दिखाने हैं, तो हम इनका प्लेन में दिखाएंगे, इन दोनों को अबव बिलो दिखाएंगे, हाइड्रोजन को इन प्लेन, जो भी हाइड्रोजन प्लेन में होगा उसको उसके साथ एलिमिनेट कर देंगे। और मान लो आपने इन दोनों को अबव दिखा दिया तो जो अबव में हाइड्रोजन है दैट विल बी गोइंग टू रिमूव। अभी और अच्छे से समझ आएगा, अभी हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक दो और टिपिकल क्वेश्चंस, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि क्या हाइड्रोजन ही लोग, क्योंकि इसके अंदर ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आप कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करने वाले हो, अगर अबव है तो आर यू आर गोइंग टू रिमूव अबव वन, अगर बिलो है तो यू आर गोइंग टू रिमूव बिलो वन, अगर प्लेन में है तो यू आर गोइंग टू रिमूव विद प्लेन वन। तो अभी और क्वेश्चंस करते हैं तीन चार, तब हमारी क्लियर हो जाएगी हेक्टर प्लेन। वी विल डील विद दीस थ्री क्वेश्चंस एंड आफ्टर दिस दिस कॉन्सेप्ट विल बी यू नो बिकम फेवरेट ऑफ यू। देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो हमें प्लेटिनम दिखाई दे रहा है और कोई भी कोकेटलिस्ट नहीं है तो हैक कपलिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एक एल्कीन भी मुझे दिखाई दे रहा है, एक लिविंग ग्रुप भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी कोकेटलिस्ट नहीं है ना, कोकेटलिस्ट नहीं है तो हैक कपलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है प्लेटिनम के साथ। ठीक है, आपने यहाँ पे प्लेटिनम है और माल और इसको आपने टू में कन्वर्ट करना होता है, प्लेटिनम पी पी एच थ्री, ये टू, क्योंकि हमने देखा था इसकी क्योंकि आपको ऐड कराना है, ऑक्सीडेटिव एडिशन कराना है तो स्पेस तो होना ही चाहिए ना, तो यहाँ पे पी पी एच थ्री पी पी एच थ्री, यहाँ पे मान लो ये टू,
अब इसके साथ होगी वी हैव अ ऑक्सीडेटिव एडिशन, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप लग जाता है और यहाँ पे आपकी ये बेंजीन रिंग लग जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना होता है, ट्रांसमेटलेशन करना होता है। ओके, इसके बाद हमें करना होता है माइग्रेटरी इंसर्शन। आप देखो ये एल्कीन कैसी है, ये एल्कीन में ये वाले बॉन्ड तो रिजिड है, ठीक है, ये तो इन प्लेन है और दोनों साइड सेम है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी मूवमेंट करा दो इसका। फॉर एग्जाम्पल आई मूव लाइक दिस, मैंने यहाँ पे किया तो ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव वाले साइड पे हम प्लेटिनम लगाते हैं और पॉजिटिव साइड पे हम फिनाइल वाला ग्रुप लगाते हैं। तो बस हम यहाँ पे ये करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा आपका ये ऐसे ऐसे, और देखो ये रिजिड बॉन्ड है तो ये प्लेन में ही रहेंगे। तो जो अब हमारा प्लेटिनम वाला ग्रुप और ये फिनाइल वाला ग्रुप है, या तो अबव से दिखा दो या बिलो से दिखा दो, क्योंकि ये तो प्लेन में है। तो मान लेते हैं कि मैंने इनको अबव से दिखा दिया कि अबव से आया है, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ मैंने प्लेटिनम दिखाया जिसके साथ यहाँ पे हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, OAC लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा फिनाइल रिंग। और अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया तो आप धीरे 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 मेरे साथ साथ करो। ओके, अब देखो मेरी बात, ये तो प्लेन में है, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जो बिलो की तरफ होगा और एक हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे बिलो होगा, ठीक है, एक मेरा यहाँ बिलो होगा तो एक मेरा यहाँ पे बिलो होगा। अब मैंने ये कहा था कि अगर प्लेटिनम, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन है, और मैंने ये कहा था कि जो सेम बॉन्ड्स होंगे, मान लो प्लेटिनम अबव है तो अबव वाला हाइड्रोजन ही रिमूव होगा, तो इसके पास तो है ही नहीं, अबव में ये है, ये प्लेन में था, ये बिलो था, और मूव भी नहीं कर सकते, रोटेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि रिजिड सिस्टम है, नो रोटेशन बिकॉज इट इज ए रिजिड सिस्टम। भाई आप पिछली बार हमने क्या किया था, पहले पिछली बार तो हमने इसको रोटेट कर दिया था तो वो इन प्लेन आ गया था, अब इसमें तो हम रोटेट भी नहीं कर सकते क्योंकि रिजिड सिस्टम है। तो अब होगा कि यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, एक अबव एक बिलो, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, अब ये अबव है और ये हाइड्रोजन अबव है, बस इसको यहाँ दिखा दिया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज द मेन थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, कि आप सोचो यहाँ पे लगा के आ जाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, इसका आंसर होगा ऐसे, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अपना ये बिलो बच गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हमारा बिलो बच गया, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही है और यहाँ पे ये हमारी फिनाइल रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, जिसने भी यहाँ पे लगा दिया द आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये अबव है तो अबव में तो ये हो, रोटेशन भी नहीं हो सकती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखो क्या है, सब कुछ सेम है, ये वाले रिएजेंट्स हमें के सारे सेम है, यहाँ 2OTF है, OTF इज ऑल्सो अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, इसी तरीके की वॉर्म अप करके नहीं दिखा रही हूँ, हम सीधा आएंगे एल्कीन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन OET है, OET इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये डोनेट करेगा, तो अगर ये इस तरह डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये नेगेटिव और नाउ दिस इज पॉजिटिव। जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ पे हमें क्या दिखाना होता है, हमें वहाँ प्लेटिनम दिखाना होता है, तो बस यहाँ पे OET, और यहाँ हमने मान लो कि हमारा OET है और प्लेटिनम अगर ऊपर की तरफ दिखा रहे हो तो सारी चीज़ें ऊपर ही की तरफ दिखानी पड़ेगी। मान लो मैं प्लेटिनम को ऐसे दिखा रही हूँ, मान लो ये मेरा प्लेटिनम वाला ग्रुप है और यहाँ पे ही अबव में हमारा क्या लगा हुआ है, हमें OTF वाला ग्रुप वहाँ हो जाता है, ये वाला इधर आ जाएगा, ये ऐसे 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 ये वाला हमारा ग्रुप यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक बिलो पे हाइड्रोजन होगा, अब यहाँ पे एक अबव हाइड्रोजन होगा और एक, और सॉरी ये तो अबव है ही है, तो एक बिलो में हाइड्रोजन होगा और एक प्लेन में हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इसमें हम लोग रोटेशन करा देंगे, अगर हम यहाँ पे रोटेशन कराएंगे तो क्या होगा, हम इसको प्लेन, हमारे को ये अबव है फॉर एग्जाम्पल, तो बस हमको इसको यहाँ पे लेकर आना है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, 60 डिग्री की अगर हम लोग मूवमेंट करेंगे तो H हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, OET हमारा इधर आ जाएगा और ये वाला ग्रुप हमारा यहाँ आ जाएगा, हमारा ये 5/6 मेंबर, ठीक है, ये हमारा यहाँ आ जाएगा
ओके okay, प्लैटिनम हमारा यहाँ पे है, ये मेरा एच है, वैसे क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री में, क्योंकि इस साइड पे ना दोनों एच एच है, तो अपन को करने की भी वैसे ज्यादा जरूरत नहीं थी, पर फिर भी हम जैसा अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम पूरा करके दिखाएंगे। तो ये हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे तो एच एच है ना, तो स्टीरियो केमिस्ट्री पे ज्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं है, ओ ई टी। और यहाँ पे हमारा ये हो गया आंसर, सिक्स मेंबर रिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों साइड में एच एच है, तो हमारे को ज्यादा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप आराम से इजिली एच करके निकाल सकते हो, बट जैसे हमने रूल्स लिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके हमारे इसमें क्लियर हुए हैं। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले वी हैव अ लिविंग ग्रुप ओवर हियर, वी हैव अ एल्कीन ओवर हियर, वी हैव अ प्लैटिनम ओवर हियर, तो हमको ये पता चल गया इट इज अ हैक कपलिंग। नाउ इनके बीच में, इसके और इसके बीच में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, तो प्लैटिनम हम यहाँ लिख देते हैं, ओ ए सी यहाँ लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे वी हैव अ आयोडीन ग्रुप एंड हियर वी हैव अ बेंजीन ग्रुप, जिसके मेटा और पैरा पोजीशन पे वी हैव ओ एम ई और ओ एम ई। अब इसको ना मैं सीधा फिनाइल रिंग दिखाऊंगी, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन करते हैं। अब देखो माइग्रेटरी इंसर्शन इज अ ब्यूटिफुल स्टेप ओवर हियर, यहाँ पे ये वी हैव अ फ्यूरान है ना, फ्यूरान जैसा कुछ है, इट्स नॉट अ कम्प्लीटली फ्यूरान, ओके, तो ये हमारा है ऐसा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, देखो इसके पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऐसा दे सकता है, तो अगर ये देगा तो हियर वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, हियर वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे हमें मेटल दिखाना होता है और पॉजिटिव चार्ज पे ये जो रिमेनिंग ग्रुप दिखाना होता है, तो बस हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे दिखाते हैं ये ऐसे, यहाँ पे वी हैव दिस ऑक्सीजन, यहाँ पे हम प्लैटिनम दिखा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये फिनाइल रूप में सीधा इसको फिनाइल रिंग लिख रही हूँ। अगर अगर क्योंकि ये तो प्लेन में है, तो अगर ये अबव आया है तो दिस वुड ऑल्सो बी अबव, ये ध्यान रखना है, ये हाइड्रोजन बिलो हो गया और ये हाइड्रोजन हमारा बिलो हो गया। अब नाउ अगेन द क्वेश्चन इज विच हाइड्रोजन विल बी रिमूव, एज द प्लैटिनम इज अबव, तो यहाँ पर भी तो वी हैव अ हाइड्रोजन, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही है, अबव वाला है अबव के साथ रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो जाएगा, तो क्या होगा ऐसे, बस स्टीरियो केमिस्ट्री का इसमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो ध्यान से हम बनाएंगे, ये मेरी फिनाइल रिंग है, यहाँ पे बिलो में एच है, ठीक है, प्लैटिनम मेरा निकल गया तो यहाँ पे बिलो एच बचा और यहाँ पे बिलो एच बचा, ठीक है। अब इसके बाद क्या यहीं पे, क्या यही मेरा ए है, क्योंकि ये मेरा ए है, ए के ऊपर ये डाला हुआ है, नो दिस इज नॉट अ ए बिकॉज दिस इज नॉट सो स्टेबल, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं आ रही है, तो अगेन इसके ऊपर होगी हैक कपलिंग, ये हमारी एल्कीन है, इसके ऊपर होगी हैक कपलिंग, प्लैटिनम आएगा, प्लैटिनम आएगा ओ ए सी टू के साथ, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे निकला ना प्लैटिनम ओ ए सी आयोडीन एच निकल जाता है, एच और यहाँ पे आयोडीन, भैया देखो प्लैटिनम के साथ ओ ए सी ग्रुप लगा हुआ था, आयोडीन ग्रुप लगा हुआ था, एच यहाँ माइग्रेट करता है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप फिर से करेगा हमारी हैक कपलिंग। अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव किसको दे, पॉजिटिव किसको दे। अब देखो अगर मान लो ये वाला बॉन्ड है, इसको आप देते हो नेगेटिव चार्ज और इसको आप देते हो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वैसे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप इधर दे दो चाहे इधर दे दो, मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव दे देती हूँ और इसको यहाँ पे पॉजिटिव दे देती हूँ। अब यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव, बिलो में हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ देखो फिनाइल जो है अबव है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस कोर्स करेगा, तो जो है प्लैटिनम आएगा ना वो आएगा बिलो द प्लेन, मतलब यहाँ पे जो हम प्लैटिनम लगाएंगे यहाँ पे वी विल पुट हाइड्रोजन, तो ये कैसे होगा, ये लगेंगे अबव, ये अगर अबव है तो ये लगेंगे बिलो, तो ये ऐसे यहाँ पे वी हैव अ ऑक्सीजन, तो प्लैटिनम को आप अबव दिखा दोगे, अगर प्लैटिनम दिखा दोगे अबव तो ये हाइड्रोजन हम सॉरी प्लैटिनम को दिखा दोगे आप बिलो, प्लैटिनम को आप बिलो दिखाओगे तो आपका हाइड्रोजन क्या आ जाएंगे अबव आ जाएंगे, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अबव एक बिलो, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा ही नहीं इससे, है ना, और यहाँ पे वी हैव अ फिनाइल अबव, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब वही क्वेश्चन,
कि आप ये प्लेटिनम बिलो है, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा कि ये वाला निकलेगा। अब देखो अगर आप ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करते हो, ठीक है, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, बिलो वाला यहाँ पे गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा जो कि इन लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। यहाँ से तो हमें वही प्रोडक्ट मिलने वाला, तो क्या फायदा था हमारे इस रिएक्शन को करवाने का। तो यहाँ पे ये वाला रिमूव होगा और वी विल गेट ए, जो हमें ए मिलेगा वो मिलेगा ऐसा, यहाँ पे ये, ठीक है, और अबव में एच है, यहाँ पे वी हैव अबव एच ओवर हियर, और यहाँ पे फिनाइल अबव है जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे ये है एच, ये है मेरा ए। आपके पास ऑप्शन होंगे तो ये होगा आपका ए, ठीक है। तो ये होगा ए। अब ए के ऊपर ये डाला हुआ है, अब इस ए को थोड़ा सा मैं यहाँ अगर शो करूं, तो यहाँ पे अगर हम शो करेंगे इस ए को, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे वी हैव एच, यहाँ पे वी हैव एच, यहाँ पे वी हैव डबल बॉन्ड, और इसके साथ ये पूरी की पूरी जो ये वाली रिंग है वो लगी हुई है, ठीक है। अब आते हैं, फिर से वही होना है, ये आयोडीन है, इसके साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन करने के बाद अब मेन है कि इसे ब्रेक कैसे करें। अब ये इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो प्लेटिनम आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे, ये मेरा ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारा लगेगा प्लेटिनम। अब क्योंकि ये पहले ये एच ये भी अबव है तो ये आएगा बिलो, ये प्लेटिनम यहाँ पर बिलो पे आएगा, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो कि है हमारी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिनाइल रिंग्स, वो हमारा हम जैसा भी बना हुआ है आप बिल्कुल वैसा बना लेंगे फिनाइल रिंग्स को, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, आपकी ये आ गई, ये बिलो हो गया, यहाँ पे वी हैव अ फिनाइल रिंग ओवर हियर, ठीक है, ये एच अबव हो गया और ये एच अबव हो गया। अब वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये बिलो है, ये बिलो है, तो एच कहाँ से रिमूव होगा, नाउ द एच विल बी रिमूव ओवर हियर, यहाँ पे एच, ये एच यहाँ पे, तो ये वाला ऐसे करके आपका ये ऐसे, तो यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा ये, यहाँ पे वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, ये यहाँ पे वी गेट अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, यहाँ पे वी हैव अ बिलो जिसके साथ ये लगी हुई है हमारी फिनाइल रिंग्स, ठीक है, और ये मेरा अबव एच, यहाँ पे क्योंकि हमारा यहाँ पे ये बिलो हो गया, एच हो गया, डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पे है, बिलो वाले निकले हैं तो ये एच अबव वाले हो गए, और यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा ग्रुप जिसे हम लिख लेते हैं और ओपन करके, ये है, और यहाँ पे ओ एम ई था, एंड दिस इज ओवर ओ एम ई है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस अच्छे से रिवाइज करो, और ऑर्गेनोमेटालिक से 30-25 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बहुत इजी है, बस एक बार दो बार उसको रिवाइज करना है, और अब मन लगा के पढ़ो। कपलिंग रिएक्शंस खत्म हो गई हैं, अब नेक्स्ट में कैटलिस्ट खत्म कर देंगे, और उसके नेक्स्ट में दो दिन में दो क्लासेस में साइकिल्स खत्म कर देंगे, तो ऑर्गेनोमेटालिक हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन या सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।